What's up guys, welcome to the channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अटैक के बारे में जो मैंने मतलब क्वारंटाइन पीरियड में ही किया था, जो बहुत इंटरेस्टिंग अटैक था और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली चीज हम लोग जो बोलते हैं वो गेम्स में बहुत बार होती है एंड ये बारी जो हुई थी ये चीज क्लैश रॉयल में तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. मतलब जहाँ पे कोई भी होप्स ना दिखे वहां से हम लोग कैसे मैच में रिटर्न आ सकते हैं, वैसा वाला मैच मुझे ये लगा. तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का अटैक था एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अटैक दिखाने के लिए एंड क्लैश रॉयल प्लेयर्स को डेफिनेटली ये मजा आएगा देखने में. तो चलो देखते हैं किस तरीके का अटैक था और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नेवर गिव अप इन क्लैश रॉयल. तो गाइज ये जो मैचअप था वो भी ट्रिपल ड्राफ्ट वाला ही था. जैसे कि आपको पता है ट्रिपल ड्राफ्ट में हमको चूज करने होते हैं कार्ड्स, तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स मिल रहे थे मैंने यहाँ पे लॉक सिलेक्ट कर लिया. यहाँ पे मैं गया बेबी ड्रैगन के साथ ताकि बहुत वर्सेटाइल है बेबी ड्रैगन एंड हंटर के साथ गया मैं. लाइटनिंग लिया मैंने यहाँ पे एंड मेरा एक फेवरेट कार्ड कह सकते हो गॉब्लिन बैरल वो लिया और टेस्ला को यूज किया मैंने यहाँ पे. एंड यहाँ पे मैं इस बारी गया कैनन कार्ड के साथ और आखिर में मैंने बैट्स को लिया. ठीक है, बिकॉज अपोनेंट के कार्ड्स भी हमें पता चलते हैं कि किस तरीके से वो सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं भी उसको काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किस अलग स्ट्रैटेजी के साथ भी काम कर सकते हैं. तो ओके, मैंने एलेक्जर वेस्ट नहीं किया, मतलब थोड़ा जल्दी ही खेल दिया एक्चुअली फिशरमैन को पीछे से एंड उसने खेल दिया नाइट विच को. तो देखते हैं किस तरीके से अटैक जाता है. उसके पास लॉग नहीं है उतना तो मुझे पता है बिकॉज लॉग मुझे ही दिखा रहा था और बेबी ड्रैगन को मैंने यहाँ पे पहले ही खेल दिया. लेकिन ये पुश थोड़ा मैंने शायद गलत खेला होगा बिकॉज मेरे हाथ से जा सकता है पुश, बिकॉज मेरे पास अभी डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर नाइट विच बैट स्पॉन करेगी तो यहाँ से मेरा कमबैक करना मुश्किल हो सकता है और मे बी मैं टावर भी लूज कर लूँ. लेकिन नहीं, बाल बाल बच गया, जस्ट 139 HP का हेल्थ बचा है मेरे टावर के ऊपर एंड ओके चलो अच्छी बात है. कैनन कार्ड कनेक्ट कर गया, मेरा गॉब्लिन बैरल कनेक्ट कर गया. आई थिंक उसने बहुत सारा एलिक्सर यूजअप कर लिया था तो आगे ज़्यादा खेल नहीं पाया. लेकिन इसने यहाँ से वो समझ गया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एलिक्सर यूज कर लिया था एंड उसने यहाँ से प्रिंस को और बलून को खेल दिया और मैंने एक तरीके से दोनों लगभग दोनों टावर्स को लूज किया है एंड यहाँ से मैं कैसे कम बैक कर पाऊँगा आई डोंट नो. लेकिन कोशिश करते रहेंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे बेबी ड्रैगन काफ़ी हद तक काउंटर कर देगा हमारे नाइट विच को, बस थोड़ी सी हेल्थ बची है एंड मुझे लगा ही था ये पॉकेट में कुछ ना कुछ खेलेगा एंड उसने मिनी पिक्का को खेल दिया. तो अभी हमारा विजर्ड बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है. यहाँ पे अगर लास्ट बारी जैसे फिर से कैनन कार्ड कनेक्ट कर गया वो तेरी अच्छी बात होगी. यहाँ पे कैनन कार्ड तो कनेक्ट कर गया एंड हमने लगभग उसके प्रिंसेस टावर को हाफ डैमेज कर दिया है. लेकिन अभी मुझे जैसे कि पता है उसके पास बलून है तो मुझे उसके लिए टेस्ला को रखना पड़ेगा और ये बड़ा पुश बनाने की कोशिश कर रहा है. पीछे से उसने खेला है एंड लाइटनिंग को ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती अगर मैं किसी तरीके से इसको भी टारगेट कर पाता. तेरी यहाँ पे प्रिंस हिट कर गया जो मैं नहीं चाहता था प्रिंस हिट करे, बट आई थिंक कैनन कार्ड निकाल लेगा विजर्ड को एंड ठीक है. अभी कुछ 27 सेकेंड बचे हैं एंड बैट्स को मैंने प्लेस कर दिया था लेकिन आई डोंट थिंक सो बैट्स कुछ ज़्यादा कर पाएंगे एंड बस मैं एक लाइटनिंग का, अगर मुझे अच्छा कहीं पे चांस दिखता है तो मैं लाइटनिंग की ओके मोस्टली मैं टावर निकाल लूँगा ऐसा मुझे लगता है. लेकिन यहाँ से बहुत मुश्किल होने वाला है. ओके मैंने टावर को तो निकाल लिया लेकिन यहाँ पे अब मेरी मुश्किलें बढ़ने वाली है बिकॉज वो मिनी पिक्का का एक हिट पड़ गया एंड हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा डाउन है किंग टावर की. 240 vs 3150 देखते हैं यहाँ से कैसे कम बैक हो पाता है. ओके तो बेबी ड्रैगन जा रहा था और मैंने कैनन कार्ड को खेल दिया. वो एक बड़ा बड़ा पुश बनाने की कोशिश कर रहा था एंड मैंने टेस्ला को डाल दिया. अभी कुछ भी हो सकता है, बैट्स को डाल दिया था एंड यहाँ पे पॉइजन था. लेकिन यहाँ से मैं ये मैच जीत गया, मतलब दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट. हम लोग कह सकते कि
कभी भी मैच टर्न अप हो सकता है। उसने गलती ये की कि दूर से उसने प्रिंस को खेल दिया एंड बलून को खेल दिया, तब तक मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिल गया और उसने काफी सारा प्रिंस के लिए 5 एलिक्सर एंड बलून के लिए 5, तो उसने 10 के 10 पूरा एलिक्सर खर्चा कर दिया था। तो बस मैंने क्विकली वहां पे रिएक्ट किया एंड ऑलरेडी मेरा बेबी ड्रैगन एंड कैनन कार्ड जा रहा था उसके किंग टावर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से ये मैचअप हुआ। एंड मतलब इसे देख के हम लोग कह सकते हैं कि लिटरली नेवर गिव अप वाला गेम है, लास्ट तक कभी गिव अप मत करना। मैं बहुत बार देखता हूँ प्लेयर्स एक टावर लूज कर देते हैं तो मतलब उनका मोटिवेशन ही चला जाता है, उनको लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मैचेस से रिकवर किया है, कभी कभी इंटरनेट लैग हो जाता है, मैं आके देखता हूँ तो एक प्रिंसेस टावर निकल चुका होता है, उसके बाद भी 3 क्राउन विक्ट्री हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके का कुछ मैच था और मैंने सोचा कि ये भी एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पे ये जो नेवर गिव अप वाला चीज है उसे हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो यही था गाइज आज का वीडियो एंड आई होप आपको ये गेम प्ले आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का गेम प्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके मुझे बताना आपको ये अटैक ये वीडियो कैसा लगा। और बस अपना ध्यान रखना, स्टे एट होम, बी सेफ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।